देखो डियर स्टूडेंट, जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिवीजन, तो आज फिर से इस डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन इसके बारे में पढ़ चुके हो। देखो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 886 डिवाइड बाई 2। जब हम 886 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 8, ठीक। अब 8 को हम नीचे उतारेंगे, 2 4 8, अब यहाँ क्या बचता है 6, क्योंकि जब हम 8 को माइन 8 सब्ट्रैक्ट वहाँ पे 0 बचता है, इसलिए वहाँ पे हमारा जो 886, अब 6 को उतारेंगे, 2 3 6 माइनस 6, जो को हम जब 6 सब्ट्रैक्ट करें वहाँ पे 0 बचता है। हमेशा जैसे कि पिछले टॉपिक मैंने आपको कहा था कि जिसे हम तकसीम करते हैं इसको हम डिवाइजर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है, जैसे कि आप देख रहे हो, इस 2 को हम डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे 443, इसको क्या कहते हैं, इसको कोशंट कहते हैं। जो यहाँ पे 0, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब जब हम चेक करते हैं, मिसाल के अगर हमने इसको चेक करना होगा क्या हमारा जो आंसर है ये सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। मिसाल के इसके लिए एक फार्मूला है जिसको हम Q ज़र्ब D प्लस R चेक करने के लिए हमेशा ये फार्मूला याद रखनी होती है, Q ज़र्ब D प्लस R। इसका मतलब है क्यों स्टैंड फॉर कोशंट, डी स्टैंड फॉर डिवाइजर, आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर। वेरी गुड। हमारे पास कोशंट क्या है, 443। वेरी गुड। इंटू डिवाइजर क्या है, 2। इसी तरीके से जो यहाँ पे रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या निकला हुआ है, 0। चावल 443 इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, जरा मल्टीपल करना है, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 886 प्लस 0। जब हम 886 को 0 क्या करेंगे, ऐड करेंगे वहां पे क्या, 886। हमारे पास क्या नंबर था, 886। जब हमने चेक किया 886 यहाँ भी निकला, इसका मतलब हमारा जो आंसर ये करेक्ट है। चेक करने के बाद ये पूरा आना चाहिए, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो 886 को डिवाइड करना था 2 से। जब हमने चेक किया, चेक करने के बाद जब हमने फार्मूला अप्लाई की Q ज़र्ब D प्लस R क्वेश्चन डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो हमारा आंसर भी 886 निकला। इसका मतलब हमारा जो आंसर है करेक्ट है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को जब आप डिवीजन करेंगे फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये पूरा आना चाहिए। मिसाल के तौर अगर हम दूसरा नंबर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 276 डिवाइड बाई 4, 276 डिवाइड बाई 4। देखो इसका मतलब है 4 का मल्टीप्लीकेशन टेबल पढ़ना है 26 तक। अगर हम 1 डिवीजन को एक डिजिट को करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 है इसलिए कम पड़ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे 26 को, 4 7 is 28 ज्यादा पड़ता है।